नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे HDFC बैंक के शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। और दोस्तों, HDFC बैंक का क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो HDFC बैंक के शेयर प्राइस टारगेट मंडे के क्या होंगे, और साथ ही दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग क्या परफॉर्म रहेगा, HDFC के टारगेट प्राइस, रिवाइज स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, अगर किसी को भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़िए। और दोस्तों, वी आर फाइनेंशियल एडवाइजर, सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। चलिए दोस्तों, चर्चा को शुरू करते हैं। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रिजल्ट से ही करते हैं हम लोग। HDFC क्वार्टर फोर का रिजल्ट, नेट प्रॉफिट राइजेस 18% टू 8186 करोड़। तो 8186 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 18% जंप किया है प्रॉफिट में। अगर आप यहाँ पे देखिए, ये आप देखिए दोस्तों, तो द एक्सटेंट टू विच COVID-19 पेंडेमिक इंक्लूडिंग करंट सेकेंड वेव दैट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द नंबर ऑफ केसेज इन इंडिया विल कंटिन्यू टू इम्पैक्ट बैंक रिजल्ट। तो ये HDFC की रेगुलेटरी फाइलिंग में बोला, यानी कि आगे भी इसमें और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और लास्ट क्वार्टर से अगर देखें तो बैंक हैड पोस्टेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 6927 करोड़, ये लास्ट ईयर, तो वहाँ से 18% का जंप देखने को मिला। साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम जो थी 12.6 करोड़, वो भी देखने को मिली। तो एक कह सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट है, लेकिन इंडस्ट्री एस्टिमेट को मिस किया है। इंडस्ट्री एस्टिमेट थोड़ा सा ऊपर थे, 20-22% का एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। ग्रॉस NPA जो है वो रोज हुए हैं 1.32%, ये थोड़ा सा कंसर्निंग, बिग कंसर्निंग। तो शेयर मार्केट में डिक्लाइन हो सकता है इस शेयर में, और डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि इस शेयर में अभी और अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। तो आगे चलते दोस्तों एनालिसिस की तरफ। तो एनालिसिस आप देखिए दोस्तों, तो इसने जो राइज करना शुरू किया था वो 1350 का लेवल था। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर आप 1 ईयर के व्यूज देखिए, तो लगातार इस शेयर ने अच्छा परफॉर्म करते ही आए हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली ये शेयर 1600 का जो लेवल पीक बनाया था, 1650 के आसपास, उसको भी ब्रीच कर सकता है। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और इसमें हो सकता है कि ये 1350 के लेवल भी देखने को मिल जाए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में। तो इट मे बी डिक्रीजिंग, बट रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, तो आप लोग स्टॉप लॉस बनाए रखें। लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो डेफिनेटली आप बने रहिए इस शेयर में, क्योंकि HDFC ने हमेशा से एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है। और लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो आप देखिए, लगातार चाहे जैसा रिजल्ट रहा, और HDFC ने हमेशा परफॉर्म किया है। तो अगर सेंसेक्स को ऊपर जाना तो HDFC हमेशा परफॉर्मिंग बॉडी है, और डेफिनेटली ऊपर की ओर ही जाएगा। तो इसके लॉन्ग टर्म अगर आपका 2-3 साल का नज़रिया, तो 2000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 1 ईयर का जो टारगेट है, जिस तरह से रिजल्ट देखने को मिले हैं, हम लोगों का जो है टारगेट 1700 के टारगेट होंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1180। तो 1180 के स्टॉप लॉस के साथ 1700 के टारगेट के लिए होल्ड रखिए। थोड़ा करेक्शन आए, थोड़ा डिप आए, 1300 के लेवल पाए, तो इसमें फ्रेश बाइंग करिए। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों।